वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कोस्टर विद सबा। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है शाही चिकन कोरमे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फूड कोस्टर राइड सबा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद अब हमें इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला है। इसी के साथ हम 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे चिकन की ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। सारी चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला जो है ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब दही ऐड कर रही हूँ। दही हमें फेंट के इसके अंदर डालनी है और दही डालने के बाद भी हमें इसे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जब दही चिकन के साथ मिक्स हो जाएगी तो हम इसे मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। और मैंने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप आधा घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पतीली ले ली है। पतीली के अंदर मैंने 1/2 कप के करीब तेल ऐड किया है और इसी के साथ मैंने 1/4 कप के करीब देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से जो हमारी ग्रेवी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ अब हम कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे अपने कोरमे को बघारने के लिए। यहाँ पे हम 1 से 2 तेज पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 मैंने हरी इलायची का इस्तेमाल किया है, 9 से 10 दाने हम काली मिर्च के लेंगे, 1 टुकड़ा हमें दालचीनी का लेना है और आखिर में 4 से 5 मैंने यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ों को हमें तेल के अंदर डालना है और इसे अच्छी तरह से क्रैकल होने देना है। और इसके बाद जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो हम तेल के अंदर डाल देंगे। चिकन को तेल के अंदर डालने के बाद हम इसे 2 सेकंड के लिए चलाएंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और अब हमें इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून के लेना है, ताकि जो हमारे मसाले का कच्चापन है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के ले लिया था और दही डालने के टाइम पे आपको अपनी गैस की फ्लेम को एकदम लो पे कर देना है, ताकि दही जो है हमारी वो फटे ना। दही को अच्छे से हम चिकन के अंदर मिला लेंगे। और आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि मैंने अभी तक इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज करता है और अब दही भी अपना पानी छोड़ेगी। इसी पानी के अंदर हमें चिकन को अच्छी तरह से गलाना है। तो अब हम अपनी गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे दम पे हम 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकने देंगे, ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए और हमारे दही का जो पानी है वो भी सूख जाए। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो दही का पानी है वो सूख चुका है। अब मैं इसके अंदर तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसे मैंने पहले ही तेल के अंदर तल के निकाल लिया था और इसे एक मिक्सर के अंदर डाल के मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1 किलो चिकन के अंदर हमें 4 मीडियम साइज की प्याज को डालना है। अगर हम प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारा कोरमा जो है वो मीठा हो सकता है। अब हमें ढक्कन को लगा देना है और 7 से 8 मिनट हमें धीमी आंच पे इसे फिर से दम देना है। तो यहाँ 7 मिनट हो चुका है। 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर 3 हरी मिर्ची को कट करके डाल ले हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब मैं इसके अंदर काजू, बादाम और नारियल के बुरादे का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा केसर भी मैंने इसके अंदर डाला है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 काजू लिया था, 5 से 6 मैंने बादाम लिया था। इसे गर्म पानी के अंदर भिगाने के बाद एक मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर और 1 टेबल स्पून मैंने नारियल का बुरादा लिया, तीनों चीज को बारीक पीस लिया है। ये पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही में मैं इसके अंदर अब 1/2 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। केवड़ा वाटर डालने से जो हमारी शाही डिश की खुशबू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो 1/2 टीस्पून आप रोज वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसे 3 से 4 मिनट हम फिर से ढक्कन ढक के पका लेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें बीच में इसे 1 से 2 बार चलाना है, नहीं तो जो हमारी ग्रेवी है वो नीचे चिपक सकती है। तो 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो चिकन शाही कोरमा है वो बिल्कुल बन के रेडी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही है। अगर आप थिक ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब दूध ऐड करूंगी और दूध डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट हम ढक्कन ढक के इसे और पकाएंगे, जब तक कि हमारी जो तेल की तरी है वो ऊपर नहीं आ जाती। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे पका लिया और आप देख सकते हैं कि जो हमारे तेल की तरी है वो ऊपर आ चुकी है और हमारा चिकन शाही कोरमा जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब मैं इसे हरी धनिया से गार्निश करूंगी और इसे हम गर्मा गर्म डिश में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी शानदार सी चिकन शाही कोरमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।